दोस्तों, म्यांमार का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसका पुराना नाम बर्मा था। यह नाम यहाँ की बर्मी जाति के नाम पर रखा गया था। असल में इसका नाम म्यानमया है। दरअसल बर्मी भाषा में र का उच्चारण यह होता है। इसी तरह इसकी पूर्व राजधानी का नाम भी बाद में बदलकर रंगून से यांगून कर दिया गया। म्यांमार एक बौद्ध देश है। यहाँ की करीब 90% आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है और ऐसा सदियों से चला आ रहा है। यही वजह है कि यहाँ बौद्ध विहारों या मंदिरों की भरमार है। यहाँ का एक प्राचीन शहर है बैगान, जो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक पैगोन साम्राज्य की राजधानी था। इस दौरान उन्होंने यहाँ 4,000 से अधिक बौद्ध विहार या मंदिर, पैगोड़ा और मठ बनवाए थे, जिनमें से 3822 मंदिर और पैगोड़ा के अवशेष आज भी यहाँ मौजूद है। यह जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। म्यांमार के शुडागुन पैगोड़ा को यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ पैगोड़ा माना जाता है। 112 मीटर ऊंचा यह पैगोड़ा पूरी तरह से सोने से ढका हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऊपर बने इसके मुकुट में 5,000 से अधिक हीरे और 2,000 से अधिक रूबी रत्न जड़े हुए हैं। दुनिया के सबसे पुराने बौद्ध स्तूपों में से एक शुडागुन पैगोड़ा भी है, जिसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ भगवान बुद्ध के बालों के 8 रेशे रखे हुए हैं। इस मंदिर को 2600 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन असल में यह कब बना इसका कोई प्रमाण नहीं है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 40वां सबसे बड़ा देश है। इसकी उत्तर पूर्व सीमाएं भारत के मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश के चिड़गांव प्रांत को मिलती है, जबकि दक्षिण पूर्व में लाओस और थाईलैंड जैसे देश है। जब सिद्धार्थ को बोधगया में बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो बाद के 7 सप्ताह के दौरान म्यांमार से दो वणिक भाई भी वहां आए थे। बुद्ध ने आशीर्वाद व निशानी के रूप में अपने सिर के 8 बाल उन्हें दिए थे, ऐसा कहा जाता है। वापस म्यांमार लौटने पर किंग व प्रजा ने दोनों भाइयों का भव्य स्वागत किया और 588 ईसा पूर्व किंग ओकालपा ने बालों के अवशेष के साथ सोने से ढका बुद्ध विहार बनवाया। फिर बाद में 146 एकड़ में गगनचुंबी ऊंचाई वाला विशाल स्तूप बनवाया। बुद्ध के काल से 14वीं सदी तक 32 राजाओं ने धम्म के इस महान धरोहर को संजोए रखा, लेकिन भूकंप प्रभावित इस इलाके में समय समय पर भूकंप के कारण इस स्तूप को नुकसान हुआ। कई राजाओं व रानियों ने इसकी सुरक्षा के लिए अपने वजन से कई गुना ज़्यादा लगभग 500 किलो सोने का दान कर उसकी चौड़ी पत्तियाँ बनाकर स्तूप की सुरक्षा की। आज 2,500 साल बाद भी विशाल क्षेत्र में फैला यह गौरवशाली स्तूप धम्म के गौरव की कहानी बताता है। इसके 4 दिशाओं में बुद्ध की भव्य विशाल 4 प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा चारों ओर सैकड़ों अन्य प्रतिमाएं हैं, जिसके कारण अनुयायी कहीं भी बैठकर बुद्ध को वंदन कर सकते हैं। हर समय यहाँ हजारों की भीड़ होने के बावजूद चारों ओर अनुशासन होता है। साधारण आर्थिक स्थिति के बावजूद म्यांमार के धम्म अनुयायी लोग बहुत सहज, सरल, ईमानदार और दानी होते हैं और धम्म के प्रति उनका समर्पण हम सभी के लिए अनुकरणीय है। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, इस विषय में कमेंट में ज़रूर लिखें।